अस्सलाम वालेकुम माड़े भेनों ते माड़े भरावो, उम्मीद करना सारा ठीक हो। मैं राज नदीम इस टाइम राजधानी बाजार हाँ। तो इस टाइम माड़ा दोस्त अरसलान माना लै तो सारे भेन भरावान की जिसे ईद मुलाद नबी बहुत मुबारक है। माशाल्लाह राजधानी बाजार माशाल्लाह बहुत अच्छा सजाया गया, उस वजह के राजधानी बाजार इंतजामिया कमेटी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अल्लाह ताला इन्होंने कबूल कर, उम्मीद करना कि जब वीडियो से चंगी लगी तरह इन चैनल लाज सब्सक्राइब कर सकते, वीडियो के शेयर कराया करो। साढ़े उस्ताद मोहतरम हाफिज़ माजिद साहब अस पहले शुक्रिया अदा करने कि साढ़े वास्ते थोड़ा जिना टाइम कटिया। तो अज के दिन हवाले को मुलाकात किए तो अस भैन भरावान जी शेयर करने। आप जी सलाम वालेकुम। आप जी क्या ठीक हो? ठीक है अल्लाह ने बड़ा एहसान है। अज्ञा क्या पैगाम देना चाहते भैन भरावान जी? जी आज ना दिन बहुत ही अजीम दिन है और सब थी बड़ा जरा अल्लाह ने फजल है, अल्लाह ने करम है, सब थी बड़ा एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ने अंदर मबूस किया और अस उस उन्होंने उम्मती बनाया ने जी। आई पूरी दुनिया पूरी उम्मत मुस्लिम जी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत ने खुशी करी रही है, जश्न मना रही है, दुरूद पाक ने तोहफे पेश किए जा रहे, लंगर शरीफ ने तमाम किया जा रहा, सदकात और खैरात किया जा रहे, एक दूसरे की मुबारकबाद दी जा रही है। और आज ना दिन ना जड़ा वो बड़ी मोहब्बत वाला और मोहब्बत बांटने वाला दिन ना और नफरत खत्म करने वाला दिन ना, अल्लाह तबारक व ताला आलम इस्लाम ने खैर फरमाए आमीन। तो बस सारे हजरात जो सुन तकने वाले सारे कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत सआदत ने आमद पर मुबारकबाद पेश करने हैं। और ये राजधानी ने असान जो प्रोग्राम आया मरकजी प्रोग्राम होना इतने असान जितने भी नौजवान भाई ये सारे मिली जुली तो इस प्रोग्राम की सजाने सजाओ सुन तकी सकने हो। ये भाई नदीम और तुम दसन सारी है फेरी कैमरा तो मस्जिद भी सजाई जानी है। ये बरतानिया थी असान जितने जितने भी पाई है साढ़े वो बड़े तामन करने राजधानी ने साढ़े और इतने कोई मामला जल्द इस तरह ने होना है रफा यमाना या कोई मिलाद शरीफ ना प्रोग्राम होना है या ग्यारहवीं शरीफ का प्रोग्राम सारे मिली तक करने तो अल्लाह तबारक व ताला इस इतफाक और बरकत अता फरमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारे मोहब्बत अता फरमान और गुलामी मुस्तफ़ा इस जिंदगी और गुलामी मुस्तफ़ा कैसे अल्लाह ताला मौत अता फरमान। और आज ना पैगाम ये है कि अस पाँच वक्त में नमाजी बनी जा, मिलाद मनाने या सीरत के असें अपनाना चाहिए, झूठ ना बोला, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नमाज भी कबूल है, पड़ोसियों के हकूक भी अदा करने कबूल हैं, आपस में इतफाक इतिहाद से रहना भी कबूल है। अल्लाह असें सारे अमल की तौफीक अता फरमान। बहुत शुक्रिया हाफिज जी। जनाब हाफिज माजिद साहब सर माशाल्लाह असन बहुत अच्छे हैं, असन बहुत ज़्यादा प्यार करने कि अच्छे हैं तो असर प्यार करने तो अल्लाह ताला इन्हें की सेहत दें, अल्लाह ताला इन्हें की हमेशा सलामत रखें, सारी दुआ है। जेकर सजाते तो मैं दो शेर बोला, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कोशा कह आइए जितने भी इतने बंदे हाजिर हुए जुलूस निकाली रहे सब कुछ हुजूर ने सदका आया, इस जिंदगी असें सब जितनी भी मिली हुई हैं इस सब कुछ जो मिले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीले नाल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मिला या रसूलल्लाह आपके वसीला से, कुरान मिला या रसूलल्लाह आपके वसीला से, ईमान मिला या रसूलल्लाह आपके वसीले से, हम खुशी क्यों ना करें या रसूलल्लाह आपकी आमद की, हमें रहमान मिला या रसूलल्लाह आपके वसीला से, तो सब कुछ मिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मिला, रब की रुबूबियत का पता चला, हुजूर के वसीले से पता चला और इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन कर तशरीफ़ लाए, इस बात का हम सारी ज़िंदगी शुक्र अदा करते रहें तो नहीं कर सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम दिता, बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने तुम अच्छे प्रोग्राम जो अप्रीशिएट करने हो संगे दसने हो हर जगह चलो तकड़े एक इंसान की पता लगी जाना कि दाने अंदर इन्हें क्या किया उस तो बाद गाला बाजार जराई बाजार के बड़ा मास्टर संगी आप सब भी बैठे जनो सारे नालो मैं इंशाल्लाह शाबान साहब भी है बाकी संगी बैठे हुए इंतजामिया सारा काम करी और फारिग हुई है जे लंगर शरीफ खिलाई दे ते उन चाय पी रहे ते असन भी दाऊ दे रहे ते इंशाल्लाह असन चा पी सों। ठीक है मुस्तफ़ा की सबसे ऊंची शान है, मुस्तफ़ा की सबसे ऊंची शान है, मेरा नबी मेरा ईमान है, मेरा नबी मेरा ईमान है। जनाब हाफिज़ माजिद साहब शिबान और जनाब आए गए जनाब जी बड़ी कोशिश की हाफिज़ साहब ठीक है इतने जितने भी मोहम्मद आसिफ साहब खावर साहब जितने भी हमारे दोस्त यार बाहर रहने वो सारे इन्होंने हौसला अफजाई करा करो, माशाल्लाह लंगर भी दिता ने सारे बंद लंगर खादा ठीक है ते ना कुछ ना रोशन होया जनाब राजधानी ने ठीक है ये आशिक रसूल है माशाल्लाह जितनी भी तारीफ करो माशाल्लाह कम है राजा साहब भी आइए राजा साहब ने हर जात तमन होना है जनाब हर जात तमन कर
या जनाब साहब वैस दाक साहब बनते हैं माशाल्लाह रैदानी बड़ी मशहूर है उस दिन राय सलाम अलैकुम जी ठीक ठाक सारे की ईद जनाब मिलाद की मुबारक है खैर मुबारक खैर मुबारक अच्छा आज सारे ने खैरियत करे ए जनु असल ने कह दिया कि प्रोग्राम है आज जनाब सारा क्रेडिट सारे कजन ने जनाब चौधरी आसफ साहब साढ़े बड़े लीडर ही हैं अस इन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अस अगे चलाने ठीक है तो हाफज और जनाब साढ़े इन्ना के अल्लाह तला से देन रहनमाई साड़ी कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया लंगर भी माशाल्लाह तकसीम किया ने उस बाद बाजार रौनक बनाने लेकिन बाकी बाजारों से करने निकाला बाजार भी है जराई भी है लेकिन माशाल्लाह रैदानी बाजार सब तो ज्यादा माशाल्लाह अच्छा होना सारे जो बरतानिया थे जितने साढ़े संगी है साढ़े दोस्त है अहबाब है ये उन्होंने तामना चलना है आसिफ साहब ने पूरी इंतजामिया का तामन करना है मैं एक किसान नौ ना किन्ना चाहना कि बाकी की दिलदारी होसी सारे तामन करने वाला सारे हैं अल्लाह ताला सारे ने कबूल करन अगले साल असल प्रोग्राम आके कोई उम्र टिकट पाया था इस बारे भी संगीत बड़ी एक महफिल पाया इस बीच एक कुछ नसीब की मदीना शरीफ ने मुसाफिर बनाया जाए इस बारे भी जितने संगीत बैरून ममालिक के इस पर कोई रोशनी डालते हैं हां उन दो ज्यादा से अल्लाह पेड़ा पर आए माने गुस्सा कर जा सके वीडियो वो लंबी भाई होनी ठीक है अल्लाह ने ठीक अल्लाह सुनने वाला है दुआएं याद रखो ऐ जनाब साले बहुत अच्छे दोस्त हैं माने आप चबान साहब ए स्पेशल जूके तो आए जनाब रैदानी अंदर जिसने विलादत मनाने वास्ते आए थे माशाल्लाह इन्होंने बड़ा तामन आया था अल्लाह ताला किसे दिन अल्लाह ताला इन्हें हमेशा खुश रखन सारी दुआ आप से ठीक है
कहता है कि इस जिंदगी के ही दो जहां, ये जहां एक वो जहां, इन दोनों जहानों के दरमियान फासिला है एक सांस का। अरे तुम पढ़ते रहो दुरूद अपने आका पर, फिर ये जहां हो के वो जहां, साथ होंगे सरवरे दो जहां। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। मैं कुछ ना सही मेरा मुकद्दर तो बड़ा है, मैं कुछ न सही, आज ये हर उम्मती पुकार रहा है कि मैं कुछ न सही, मेरा मुकद्दर तो बड़ा है। अरे महबूब की नालेन पे सर मेरा दरा है, अरे क्यों मेरी खताओं की तरफ देख। हुजूर के वसीले से है हमें कुरान मिला या रसूल अल्लाह, आपके वसीला से आवाज बुलंद करें सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को बुलंद करके जिसका ये अकीदा है कि आज सब कुछ ये तमाम नेमतें हुजूर के सदके मिली, हाथों को बुलंद करके कहें कुरान मिला या रसूल अल्लाह आपके वसीले से, ये सुभान अल्लाह, कुरान मिला या रसूल अल्लाह आपके वसीला से, ईमान मिला या रसूल अल्लाह आपके वसीले से, हम खुशी क्यों ना मनाए या रसूल अल्लाह आपकी आमद के लिए, हम खुशी क्यों ना मनाए या रसूल अल्लाह आपकी आमद के लिए, हमें रहमान मिला या रसूल अल्लाह आपके वसीला से। उलमा इकबाल ने तो हजा से कही है आपकी मोहब्बतों में तशरीफ लाते हैं, सभी तो खुशियां मना रहे हैं या रसूल अल्लाह आपकी आमद थी बैतुल्लाह मुजरे को झुका, या रसूल अल्लाह आपकी आमद थी यहाँ बुत खड़ा के गिरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, तनूर सीना से जराई से ये जुलूस हमारे पिंडाल में हमारे बाजार में दाखिल हुआ, हम सब को खुश आमदीद कहते हैं और इनसे अपील भी करते हैं कि आगे से जुलूस टन करके फिर वापस से और गाड़ी और मोटरसाइकिल पीछे खड़ी करनी है। माशाअल्लाह नाराय तकबीर नाराय रिसाला नाराय रिसाला आमदे मुस्तफा। सबसे पहले मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपकी इस जामे मस्जिद के इमाम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद माजिद सुल्तानी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिनकी क़यादत में इतना खूबसूरत आका अलैहिस्सलाम की खुशी में ये सजावट की गई, उसके बाद यहाँ की मिलाद कमेटी और जितने भी इलाके के लोगों ने यहाँ पर तआवुन किया उनको भी मैंने अपनी सब अकीदतों और मोहब्बतों के लायक हैं। तो आज मैं आपको इन सब को आकारी की सलात उस्लाम की विरादत की मुबारकबाद को करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद फरमाने ये जो नाइक को लगाई गई है कहीं लगाई थी या नहीं लगाई थी, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब रब्बुल आलमीन अपने महबूब को इस दुनिया में भेजना चाहा तो जो आज हमने झंडे लगाए हैं तो अल्लाह अपने प्यारे मुकर्रम फरिश्तों से फरमाया था कि हाँ मेरे फरिश्तों तीन झंडे ले जाओ और जाकर इनको एक खाना काबा की छत पर लगा दो, एक मस्जिद के अंदर लगा दो, एक मोहल्ले के अंदर लगा दो। तो आज जो हम झंडियां लगाते हैं ये अपने परवरदिगार आलम के सुन्नत को अपनाते हुए आकाई सलातो सलाम की आमद खुश में ये झंडियां लगा। आप जो लाइटिंग करते हैं इस पर एतराजात होता है, जब आकाई सलातो सलाम की विलादत की बारी आई तो उस वक्त अम्मा आमीना फरमाती है कि मैं अपने घर में बैठी थी तो मेरे शाम के मोहल्लात इतनी रोशनी हो गई थी कि उस रोशनी की वजह से आकाने की सलात और सलाम की विलादत आवत की वजह से
के यारे वसल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मदिन वअलिहि वसहबिह।